अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं MLT हब विद कामरान। कैसे हैं डियर व्यूवर्स, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है एंटी मलेरियन हार्मोन टेस्ट। इस टेस्ट को AMH टेस्ट भी कहा जाता है और इस टेस्ट को मलेरियन इनहिबिटिंग हार्मोन टेस्ट भी कहा जाता है। वक्त ज़ाया नहीं करते, शुरू करते हैं अपना टॉपिक एंटी मलेरियन हार्मोन टेस्ट। डियर व्यूवर्स, जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ में जो बेल का निशान है उसे भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। अगर हम बात करें कि एंटी मलेरियन हार्मोन किसे कहते हैं तो बुनियादी तौर पर ये एक हार्मोन है। ये हार्मोन बनता कहाँ पर है तो वो लड़कियाँ जो बालिग हो जाती हैं, जो बड़ी हो जाती हैं, तो उनके ओवरीज बनाते हैं इस हार्मोन को। और जो मर्द होते हैं तो जब वो बच्चे होते हैं और माँ के पेट के अंदर होते हैं तो जब उनमें जो उनके टेस्टिस हैं वो अच्छी तरह से डिवेलप हो जाते हैं तो वो टेस्टिस फिर मर्दों में बनाती हैं इस हार्मोन को, जो कहलाता है एंटी मलेरियन हार्मोन। लेकिन यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है कि ये AMH जो हार्मोन है तो ये मखसूस हार्मोन है ख्वातीन के लिए और ये टेस्ट ज़्यादातर ख्वातीन में ही किया जाता है। अगर हम बात करें कि जो एंटी मलेरियन हार्मोन है तो इसका काम क्या है, हमारे जिस्म में ये क्या काम करता है, तो जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है और अगर ये बच्चा मेल बेबी हो तो उसमें मौजूद जो XY जीन्स होते हैं तो वो बहुत बड़ी मकदार में इस हारमोन को बनाते हैं जो कहलाता है एंटी मलेरियन हारमोन। और इसी ज़्यादती की वजह से इस हार्मोन की जो बच्चा होता है तो उसमें जो जिंसी आज़ा बनते हैं तो वो मेल बेबी वाले बनते हैं और इस हार्मोन की ज़्यादती की वजह से जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है या जो फीमेल का जिंसी आज़ा होते हैं तो वो फिर नहीं बनते ऐसे बच्चों में। तो मेल बच्चों में जो XY जीन्स हैं तो उसकी बदौलत जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनता है, जो जिंसी अज़ा बनते हैं तो वो मेल बेबी वाले बनते हैं। अगर बच्चा माँ के पेट के अंदर बच्ची है, फीमेल बेबी है, तो उसमें मौजूद होते हैं XX जीन्स और वो XX जीन्स इस एंटी मलेरियन हार्मोन को बहुत कम मकदार में बनाता है और इस कम मकदार की वजह से इस बच्चे में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनता है तो वो फीमेल वाला बनता है। अभी हम बात करते हैं कि AMH टेस्ट की तशखीसी अहमियत क्या है और ये क्यों इतना अहम है ये टेस्ट। तो इस टेस्ट की मदद से हम उन ख्वातीन का पता लगा सकते हैं जो ख्वातीन फर्टाइल हों, यानी वो बच्चा पैदा करने की काबिलियत रखती हों। इसके अलावा इस टेस्ट की मदद से हम उन ख्वातीन का पता भी लगा सकते हैं जिनमें ये काबिलियत हो कि उनकी जो ओवरीज हैं वो ओवा या एग्स को प्रोड्यूस कर सकती हैं, पैदा कर सकती हैं, जिसकी बदौलत वो मुस्तकबिल में प्रेग्नेंट हो सकती हैं, हामिला हो सकती हैं। इसके अलावा इस टेस्ट की मदद से हम ऐसे ख्वातीन का पता भी लगा सकते हैं जो कि एक हालत से सामना उनका होता है जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के मुतालिक होता है कि उनमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो वो तरतीब से नहीं होता, वो इररेगुलर होता है, उनमें मसाइल होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के। और इसके अलावा ऐसे ख्वातीन का पता भी इस टेस्ट की मदद से हम लगा सकते हैं जिन्हें पीकोज होता है, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम होता है। इस टेस्ट की मदद से हम पता लगा सकते हैं कि अगर किसी खातून में ओवेरियन कैंसर की ट्रीटमेंट शुरू हो गई है तो उस ट्रीटमेंट का हम पता लगा सकते हैं कि वो ट्रीटमेंट मुअस्सर हो रही है या नहीं हो रही। या अगर किसी खातून में पहले ओवेरियन कैंसर था और उसका इलाज हो चुका था और वो ठीक हो गई थी तो दोबारा उसमें ये टेस्ट हम कुछ वक्फे के बाद करते हैं ताकि पता लगा सकें कि कहीं दोबारा से तो ओवेरियन कैंसर नहीं हो गया। इस टेस्ट की मदद से हम उन ख्वातीन का पता भी लगा सकते हैं जिनमें मीनोपॉज जो है वो शुरू हो चुका हो और उनकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो बंद हो चुकी हो और 12 महीने तक का वक्त गुजर चुका हो लेकिन उन्हें मेंसेस नहीं आती, तो उनका पता भी हम इस टेस्ट की मदद से लगा सकते हैं। और इस टेस्ट की मदद से हम इमिनूरिया का पता भी लगा सकते हैं ऐसी लड़कियों में जिनमें मेंसेस स्टॉप हो जाती हैं और फिर आगे जाकर ये प्रेग्नेंट नहीं हो पाती इस हालत की वजह से, तो इमिनूरिया का पता भी हम इस टेस्ट की मदद से लगा सकते हैं। अगर हम बात करें कि नॉर्मल लेवल क्या होता है खून में AMH का,
तो इसका जो नॉर्मल लेवल खून में होता है वो होता है 2.2 से लेकर 3.9 नैनोग्राम पर मिलीलीटर तक। अगर हम बात करें कि खून का नमूना किस बोतल में लिया जाता है एएमएच टेस्ट के लिए, तो 3 से 5 ml खून का नमूना लिया जाता है जल वाली ट्यूब में या फिर ग्रीन टॉप ट्यूब में, जिसे लिथियम हेपरिन की ट्यूब भी कहा जाता है। इस खून को हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं, सीरम को निकालते हैं और फिर एडवांस मशीनरी पर इस टेस्ट को रन करते हैं, लगाते हैं और पता लगाते हैं कि खून में एएमएच का लेवल क्या है। अगर हम बात करें कि वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से ख्वातीन में जो एएमएच का लेवल होता है वो खून में बुलंद हो जाता है, तो उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो है पीकोज़, यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। और ये एक ऐसी हालत है जिसमें हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं, ख्वातीन को बहुत ज़्यादा शदीद दर्द होता है, इसमें बहुत ज़्यादा खून निकलता है उनका, और उनके जो ओवरीज होते हैं तो वो ओवा या एग्स को नहीं बनाते, जिसकी वजह से ऐसे ख्वातीन फिर प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। तो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में एएमएच का लेवल खून में बहुत ज़्यादा बुलंद हो जाता है। और अगर हम बात करें कि वो कौन सी हालत है जिसमें एंटी मुलेरियन हार्मोन का लेवल खून में कम हो जाता है, तो वो हालत है मीनोपॉज़। और मीनोपॉज़ ख़वातीन के ज़िंदगी में एक स्टेज आता है जो कि ज़्यादातर 40 साल से लेकर 50 साल तक की उम्र में होता है, जिसमें उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है, जिसे मीनोपॉज़ कहा जाता है। और ऐसी ख़वातीन भी फिर मुस्तकबिल में प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, तो मीनोपॉज़ में जो एएमएच का लेवल है वो कम हो जाता है। बहुत ज़्यादा शुक्रिया एमएलटी हब विद कामरान देखने के लिए। उम्मीद है ये लेक्चर आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल एमएलटी हब विद कामरान को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।